हम लाइव हुए हैं और समस्त जानकारी जो है ट्विटर ट्रेंडिंग को लेकर 10 अक्टूबर को रखा गया है। समय कम है लेकिन जो रणनीति होती है उसी पे हम लोग सक्सेस भी हो, पार्सलिंग को लेकर, नियुक्ति पत्र को लेकर, उन सभी बातों पे जानेंगे। हमारे साथ राजेंद्र सर जुड़े हुए हैं और सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को आप लोग शेयर कर दें सभी ग्रुप में जहाँ जहाँ है, जिससे कि सभी बातें आपके सामने क्लियर रख दिया जाए। कि सर थर्ड फेज की काउंसलिंग, राजेंद्र सर आपका सबसे पहले स्वागत है, बहुत दिन बाद आपसे फिर 5 सितंबर के बाद मुलाकात हो रही है सर। तो सर सबसे पहली बात ये रहेगी कि जो काउंसलिंग है थर्ड फेज को लेकर, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों का सबसे पहला सवाल ये होता है कि थर्ड फेज की काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि नियुक्ति पत्र भी अगर किसी को मिलना है तो उसके बीच में जो पहला रोड़ा अटका हुआ है वो थर्ड फेज। तो क्या आज इस विभाग से जो बात हुआ तो थर्ड फेज का क्या मैटर है, क्या बोला विभाग ने? देखिए आज शुक्रवार के दिन हम लोग सभी लोग करीब करीब हम लोग कोर टीम के भी सदस्य थे, पप्पू जी थे, सुनीता जी थे और भी सभी लोग साथ में मिलकर हम लोग गए थे। लेकिन उनका जो स्पष्ट रूप से जो जो हमारे प्रधान सचिव जी हैं उनका कहना है कि ये थर्ड फेज की काउंसलिंग चुनाव के बाद होगी, ये स्पष्ट हो गया है। पहले वाली भी हम बहुत बार आपको वीडियो में भी बोले होंगे, लेकिन जो आज के बातचीत से पता चला है कि ये तीसरे चरण की काउंसलिंग ये 12 दिसंबर 2021 के बाद ही कर देते। तो सर एक कुल मिलाकर यही समझा जाए, क्योंकि इस पर ज़्यादा हम अब बचा नहीं बात करने को, क्योंकि एक तरह से बता दिया गया कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, चुनाव में अब कुछ नहीं होने जा रहा है। विभाग सुस्त है जैसा देखने को भी मिल रहा है, लेटर निकालने के बाद विभाग ने ये तक शुद्ध नहीं लिया कि कितने जिलों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर निकाला। इसका मतलब विभाग पूरी तरह से सुस्त है सर, तो इस पर आगे की रणनीति क्या है आपकी? अब देखिए सबसे पहली बात है कि चाहे वो काउंसलिंग के जो समस्या हो, काउंसलिंग थर्ड चरण की जो काउंसलिंग की बात हो या नियुक्ति पत्र जो देने की बात हो, ये दोनों मैटर हमारे लिए बिल्कुल ही बराबर है, कहीं कोई हम इस अंतर नहीं मानते हैं और दोनों का एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत बार हम लोग सचिवालय में भी आते हैं तो यहाँ का जो पदाधिकारी का कहना है कि जब तक तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं होगी तब तक नियुक्ति पत्र का वितरण हम लोग नहीं करेंगे। तो हमें कहना यह है कि इसके लिए हमें सभी लोगों को मिल करके एक योजना बनानी होगी, योजना बना करके काम करना होगा, हम लोग को बैठ करके ही केवल आने जाने से कुछ नहीं होगा। तो एक योजना हम लोग बना रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रविवार के दिन 10 अक्टूबर को सुबह में 11 बजे से हम लोग एक ट्विटर महासंग्राम रखें और उसमें जो जो विषय होगा, हैशटैग होगा, वो कल शाम तक हम लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन उसके लिए हम लोग सभी लोग मिल करके तैयार रहे, उसमें किसी तरह का कोई बाउंडेंशन नहीं है। सभी लोग का मतलब होता है जिनका चयन हुआ है और जिनका चयन नहीं हो पाया है और या जो चयन जो जिनकी बहाली अभी होने वाली है, सभी लोग मिल करके और इस प्रोग्राम को, छोटे छोटे प्रोग्राम को करके हम लोग सरकार पर दबाव बनाए, क्योंकि सरकार की जो स्थिति है वो बिल्कुल शिथिलता है, काम में कहीं पर कोई रफ्तार नहीं है और सरकार सिर्फ जो है बरगलाने का काम कर रही है। इसलिए हम सभी लोगों को मिल करके और छोटे छोटे प्रोग्राम करना होगा जिससे कि सरकार को हम लोग सजग कर सके, सरकार को तत्पर कर सके, तब जा करके हम लोगों की काउंसलिंग भी होगी और नियुक्ति पत्र का वितरण भी होगा। तो सर यहाँ पे बस एक फिर आएंगे आपके पास में सर, यहाँ पे बस लास्ट आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि जो शिक्षा विभाग का जो ये रवैया देखने को मिला है, तो ट्विटर ट्रेंडिंग जो आप रख रहे हैं तो उसमें क्या सभी तरह के अभ्यर्थी जो भी हैं, जो प्राथमिक शिक्षक वाली से रिलेटेड हैं या जो भी अन्य वालियों से रिलेटेड है, क्या उनका सहयोग की अपेक्षा करते हैं या अन्य संगठन जो हमें समर्थन देना चाहते हैं, क्या सभी संगठन को सपोर्ट के लिए आह्वान किया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि सभी जितने भी संगठन हैं बिहार में, चाहे जिनका चयन हुआ है, जिनका चयन नहीं हुआ है या जो जिनका अभी होने वाला है, जैसे दिसंबर सीटेट वाले हों या अन्य भी जो अभी बिल्कुल ही जिनकी चयन होने की संभावना है भविष्य में, सभी लोग मिल करके और ये हम लोग काम करें, क्योंकि जब तक हम लोग एक होकर के काम नहीं करेंगे तब तक जो है बिल्कुल कोई भी काम सफल नहीं होगा। और मैं आपको एक चीज़ मैं क्लियर रूप से बताना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए दोनों बराबर हैं, चाहे वो चयनित हो चाहे अचयनित हो, हम दोनों के लिए काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम अलग अलग कर रहे हैं, सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके काम करें। इसमें किसी तरह का जो आपस में जो फाउंडेशन करके अगर काम करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो रवैया जो देख रहे हैं सरकार की, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है
आज की जो रवैया हम लोग सचिवालय में देख रहे हैं, अभी हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, यानी कहने का मतलब है कि बहुत चिंता का विषय है सबके, सभी लोगों के लिए है, चाहे जिनका चयन हो गया उनके लिए भी है और जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ उनके लिए भी है। तो इसलिए हम सभी लोगों से कहेंगे कि मिल करके काम कीजिए, तभी सफल हो पाएंगे। और आगे हम लोगों को और भी बहुत से काम करनी है, जो मैं आपके आगे आने वाली वीडियो में इन सारे चीजों को विस्तृत से हम बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि जो हैशटैग जो ट्विटर महासंग्राम है उसमें सभी लोग मिलकर के बिहार से, बिहार के बाहर के भी जो भी लोग हैं, चाहे बंगाल हो, यूपी हो, झारखंड हो, सभी जगह के अभ्यर्थी, सभी तरह के अभ्यर्थी मिलकर के काम करें, तब जाकर के सरकार को हम लोग सजग कर पाएंगे। आज आपके पास भी आएंगे सर, क्योंकि कुछ डाटा भी आया है हम लोग के पास में, यूनिसेफ ने डाटा जारी किया है, उस पर आपसे कमेंट चाहेंगे, छोटा सा कमेंट चाहेंगे। लेकिन हमारे साथ हैं पप्पू जी, जुड़े हुए हैं NIOS DLH संघ से हैं। तो सर आप आज शिक्षा विभाग लगातार आ भी रहे हैं और लगातार अन्य मुद्दे पर आप देख भी रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब क्या ट्विटर ट्रेंडिंग जो है वो क्या कारगर साबित हो पाएगा, और क्या 10 अक्टूबर को किस तरह से ट्रेंडिंग किया जाए आपके अनुसार, किस तरह से अभ्यर्थियों को एकजुट किया जाए? देखिए आज स्पष्ट हो गया, जो माननीय संजय सर से जो बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, काउंसलिंग किसी भी परिस्थिति में चुनाव के बाद ही होगा। इससे स्पष्ट हो गया कि भाई अब 2 महीना 2.5 महीना कोई भी एक्टिविटी नहीं होने जा रहा है, न किसी को नियुक्ति पत्र लेने जा रहा है, ना काउंसलिंग होने जा रहा है। तो भाई इसमें सभी जो जितने भी हमारे साथी हैं, जो चयन हो गए हैं, जो चयन नहीं है, सभी साथी को साथ आना पड़ेगा और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिसाइड किया है, सब लोगों ने मीटिंग करके डिसाइड किया है कि ट्विटर कैंपेन एक जो हम लोगों का एक हथियार है, उस हथियार को हम लोग इस्तेमाल करें। और हम लोगों ने तय किया है कि 10 तारीख को 11 बजे से, संडे का दिन, हम लोग 11 बजे से ट्विटर कैंपेन शुरू करें। हैशटैग अभी बनाया नहीं गया, वो बना दिया जाएगा, एक्सपर्ट उस पर काम कर रहे हैं ताकि ट्रेंड हो। इसमें हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है, अब हाथ पे हाथ धर के बैठने की आवश्यकता नहीं है, सबको एक साथ मिल के चयन, चयनित अचयनित दोनों में जो विवाद हो गया है, जो मुझे लग रहा है ये सारा विवाद को भुला के दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा, तभी दोनों का कल्याण हो सकता है। दोनों को एक साथ रह के दोनों को इस पर काम करना पड़ेगा। जो उस दिन 10 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन रखा जाएगा उसको सफलतापूर्वक ट्रेंड कराना पड़ेगा, पूरे दिन पूरे मीडिया में जो कवरेज हो, हमारा मामला हाईलाइटेड हो, तभी हम लोगों का सर्टिफिकेट जांच भी हो पाएगा और थर्ड जो राउंड की जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल भी आ पाएगा। क्योंकि अभी भी संभावना है, उन्होंने बोला है कि यदि बात बनती है तो उसके बीच में भी संभावना हो सकता है काउंसलिंग हो, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब चुनाव के बाद ही हो पाएगा। लेकिन एक होप उन लोगों ने दिया है, तो उस होप के